तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि पूरा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, एनाप्लिटिक रिएक्शन, पीडीसी, पाइरीडिनेज कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैं फिर से बता दूं कि ये रिवीजन क्लास है, आईसीएमआर साइंटिस्ट बी के लिए हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसलिए अगर कुछ लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, या आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, यह सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। अगर आपने इसके पहले का वीडियोज़ नहीं देखा है फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको जाके पिछले वाली सारी वीडियोज़ जो हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की देख लेनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम लोगों को ये पता है कि ठीक है, ये मैंने अपने CSIR नेट जेरफ क्लास में, जब मैंने रेगुलर क्लास में अपने पढ़ाया है, वहाँ का ये क्लास नोट है। मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ, तो इसके लिए मैंने पढ़ाया है ये नोट से, उसी से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं रेफरेंस बुक भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम लोग को पता है कि ये सेल है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये देखिए ग्लूकोज अंदर आया है। अब क्या हुआ था, ग्लूकोज कैसे कैसे आया था, क्या नंबरिंग थी, ये सब कुछ ग्लाइकोलाइसिस में हमने बताया हुआ है, वो क्लास आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। फिर देखिए, हम लोग को ये पता है ना कि दो NADH का फॉर्मेशन होता है, ये हमने पढ़ाते समय उसमें मिस्टेक कर दिया था कि जीरो NADH होता है, लेकिन दो NADH होता है। तो यहाँ पे देखिए, दो एक ग्लूकोज से दो पाइरुवेट बना। अब ये पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, सॉरी ये पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो एसिटाइल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल चलता है, वो तो ठीक है, वो सब हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल में देख लिया। ये दो NADH का क्या होता है, ये दो NADH जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जाएगा तभी ये रिड्यूस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा तो ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो ठीक है, अब ये जाने के लिए यहाँ पे शटल सिस्टम होता है। एक शटल सिस्टम होता क्या है, शटल ट्रेन, एक मुंबई में शटल ट्रेन चलती है बांद्रा से लेके विरार से आगे भी, मैं मुंबई में रहा हूँ तो उसमें देखा हूँ, गया हूँ तो उसमें इंजन जो होता है ना वो बीच में होता है और आगे पीछे डब्बे लगे होते हैं, ठीक है, वैसे ही काम है यहाँ पर शटल सिस्टम है। NADH को इधर से इधर करना, इधर का कुछ सामान इधर करना, ठीक है, यही काम है शटल सिस्टम का। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वाला NADH जो है, जो साइटोप्लाज्म है, वो कैसे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने ये सब कुछ बताया हुआ है कि जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, रिलीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो यहाँ भी NADH बना हुआ है। अब अगर NADH को काउंट किया जाए, देखिए दो NADH बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, और दो ही NADH बनता है, याद करिएगा, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से कन्वर्ट होता है, सॉरी जब पाइरुवेट से कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, और उसके बाद से जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो एक पाइरुवेट से या एक एसिटाइल कोएंजाइम से तीन NADH, इस तरह से तीन तीन छः हो गए, और दो बना हुआ है किससे, दो बना हुआ है PDC से दो बार में, और दो बना हुआ है ग्लाइकोलाइसिस से, यानी कि 10 NADH, ठीक है। अब 10 NADH में ये जो 2 NADH है ये साइटोसॉल से आया हुआ है, और 8 NADH जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन होता है कि 1 NADH से कितना ATP बनता है, दो बनता है, तीन बनता है, साढ़े तीन बनता है, पौने तीन बनता है, ढाई बनता है, कितना बनता है, सब पॉसिबल है। वो किस पे डिपेंड करता है वो मैं बताऊंगा। हर एक मतलब देखिए 28 से लेके 38 तक सब पॉसिबल है, ये किस पे डिपेंड करता है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अच्छा, हम लोगों को ये भी पता है कि FADH2, दो FADH2 बनता है, कहाँ पे बनता है, क्रेब्स साइकिल में, तो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देखिए जानते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, क्रिस्टी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो मैं एक काम किया हूँ, देखिए ये जो येलो कलर में हमने शेडेड किया हुआ है, यहाँ से हमने मेम्ब्रेन को उठा लिया, देखिए ये अंदर वाली है और ये बाहर वाली है, तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई इनर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। आप लोगों ने अगर मेरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की क्लास की है तो उसमें मैंने बताया है कि प्रोटीन कैसे, टिम टॉम थ्योरी से हमने बताया कि कैसे प्रोटीन इंसर्ट करती हैं। अगर आपने नहीं किया है तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की क्लास जाके जरूर यूट्यूब पे है प्लेलिस्ट में, उसको जाके जरूर देख लीजिए, उसको मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज कराया हुआ है। तो ये देखिए ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अब इसी में चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो आगे देखिए, ये देखिए हुआ क्या यहाँ पे, अब इसमें क्या होता है, ये देखिए ये जो NADH है ना, ये NADH का ऑक्सीडेशन होता है, NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, दो इलेक्ट्रॉन मूव किए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एंजाइम्स हैं, और ये है UBQ जो कि इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है।
यूबिक्विनोन को ही हम कोएंजाइम क्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूबिक्विनोन पूल बनाता है यहाँ पे, ठीक। ये क्लास लेते समय हमने स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ था ऑनलाइन क्लास में, तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और किधर किधर कैसे कैसे जाएगा, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ से देखते हैं, ये थोड़ा डायग्राम है, मतलब हैवी डायग्राम है, इसको अगर रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाए तो पूरा अच्छे से समझ में आता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की और फिर मैं बुक भी दिखाऊंगा। तो NADH का ऑक्सीडेशन होगा और कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, होगा ना। तो देखिए NADH का ऑक्सीडेशन और कोएंजाइम क्यू का रिडक्शन, इसीलिए पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोलाते हैं NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेज। कौन सी बड़ी बात है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये जो येलो कलर का मॉलिक्यूल है, ये जो येलो कलर का मॉलिक्यूल है, इसी येलो कलर के मॉलिक्यूल को, ये देखिए हमने इसी येलो कलर के मॉलिक्यूल को यहाँ से उठाया, ठीक है। पहले इसको यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत करेगा, ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से उठाया येलो कलर का मॉलिक्यूल और इसको लेके आ रहे हैं, और ये देखिए ये मेम्ब्रेन में ही पाया जा रहा है, कहाँ गया ये देखिए, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्यों इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं, अच्छा ये आपकी बुक में जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो लिखा है येलो कलर कंपाउंड, इसीलिए मैंने इसको येलो में बनाया हुआ है, तो पढ़ाते समय हमने इसको सब कुछ बताया हुआ है। खैर ये देखिए, ये पहला वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक ये पहला वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है NADH से गया हुआ है, और NADH यहाँ देखिए NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ ये येलो कलर कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा कोएंजाइम क्यू है, और ये कोएंजाइम क्यू ले लिया यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, और देखिए ये FADH2 है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको FADH2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, और ये भी आ गया कोएंजाइम क्यू को, और ये इलेक्ट्रॉन लेके दे देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे सक्सिनेट से, ठीक है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है और वहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन जाता है कोएंजाइम क्यू को, इसीलिए इसको कह दिया जाता है सेकेंड कॉम्प्लेक्स को सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेज या सक्सिनेट रिडक्टेज, सक्सिनेट ऑक्सीडेज या कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज इसको बोल सकते हैं। तो पहले वाले को हमने बोला NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरे वाले को बोला सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब देखिए कोएंजाइम क्यू के पास खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, देखिए नीचे हमने बनाया है इसको। ये देखिए ये मेम्ब्रेन में दौड़ता रहता है, पूछता जाए कॉम्प्लेक्स वन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, सबके पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया और इलेक्ट्रॉन लेके अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन से टू को नहीं जाता, नहीं टू से वन को जाता है, और कभी भी डायरेक्ट वन से थ्री को नहीं जाता, वो कोएंजाइम क्यू पूल के थ्रू ही जाता है, यही है अपना ट्रक लेके घूमता रहता है, कहाँ है इलेक्ट्रॉन कहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए यहाँ पे लेके गया, देखिए अब ये जो है यहाँ पे लेके आया और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देगा। अच्छा कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम्स जो होता है, अच्छा एक कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। साइटोक्रोम जो होते हैं ना वो वन इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर होते हैं। अच्छा इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ETS में वो पाँच होते हैं कोएंजाइम क्यू, ये वन आर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, वन आर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, और एक होता है आयरन सल्फर क्लस्टर, वो भी वन आर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, आयरन सल्फर क्लस्टर हाँ वो भी वन आर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर होता है, कहीं मिस कर रहा हूँ क्या, मैं देख लेता हूँ अभी उसके बारे में, ठीक है। बाकी कॉपर होगा, बाकी साइटोक्रोम होगा, और एक होता है, अच्छा साइटोक्रोम के पांच टाइप होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम
सी साइटोक्रोम C1 ऐसा ही होता है। अब इन साइटोक्रोम से कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ये भी हम लोग को जानना होता है। तो इतना डिटेल में तो नहीं जाना है हम लोगों को ICMR साइंटिस्ट भी के लिए, लेकिन बस मैं ये बता दूँ, देख लीजिएगा कि तीसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें साइटोक्रोम्स रहते हैं और कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। कोएंजाइम क्यू का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये साइटोक्रोम सी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स फोर को। कॉम्प्लेक्स फोर का काम होता है कि साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करना है, इसीलिए उसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और वो इलेक्ट्रॉन लेके फाइनली देता है किसको, वो देता है ऑक्सीजन को। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि कहाँ पर जरूरत पड़ती है, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं ETS को, तो वही ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, ठीक है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज ये भी देगा कोएंजाइम क्यू को। देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब यहाँ से सीधे कॉम्प्लेक्स थ्री को नहीं आ सकता, यहाँ से सीधे कॉम्प्लेक्स थ्री को नहीं आता, ये UQ पूल पे आएगा और तभी ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को जाएगा और तब कॉम्प्लेक्स फोर को जाएगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बुक। अब बुक में ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, ये सारी चीज़ें, ये सब रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ना ही अरेंजमेंट याद करने की ज़रूरत है आप लोगों को। क्या याद करना, जो अभी मैंने बताया, हाँ वो आयरन सल्फर क्लस्टर नहीं होता है दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर, वो होता है फ्लेवोप्रोटीन। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ना फ्लेवोप्रोटीन, तो ये जो फ्लेवोप्रोटीन है ये देखिए क्या लिखा है, 1R2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, और एक और होता है यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू। पांच में से देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चेन में डिफरेंट मॉलिकुलर स्पीसीज, और ये डिफरेंट मॉलिकुलर स्पीसीज पांच होते हैं और पांच में से सिर्फ दो होते हैं जो कि 1R2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर होते हैं। उसमें से पहला नाम है FMN का यानी फ्लेवोप्रोटीन का, और दूसरा नाम है यूबिक्विनोन का। बाकी जो तीन होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर होंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात और, जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो आयरन सल्फर क्लस्टर जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे लेगा, बारी बारी से। जैसे हमारे हाथ में, अगर हमारे हाथ में एक हाथ से हम लिख रहे हैं और एक हाथ से हमको समोसा खाना है, तो हम बारी बारी से खा सकते हैं ना, ठीक है। वैसे समोसा आ जाएगा तो ये सोचेंगे पहले खा लेते हैं तब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही मुझे बताना था, अच्छा कोएंजाइम क्यू के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ, इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोगों को लिख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, एक बार ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो कोएंजाइम क्यू यूबिक्विनोन, ये द बेस्ट स्टडी मटेरियल है, आपको अलग से कुछ प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, यहीं से पढ़ते जाइए, यहीं से, ये आपके ऊपर है कि आपको अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो देखिए कोएंजाइम क्यू, इसको यूबिक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, और ये देखिए 1R2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। बाकी देखिए साइटोक्रोम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, आयरन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। देखिए आयरन सल्फर प्रोटीन जो दिया हुआ है, अच्छा आयरन सल्फर प्रोटीन की डिस्कवरी जानते हैं किसने किया था, इसकी डिस्कवरी किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रिस्की, इसलिए इस प्रोटीन को रिस्की प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, रिस्की प्रोटीन, ठीक है। तो कहीं एग्जाम में पूछता है रिस्की प्रोटीन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन का काम करता है। अच्छा कॉपर, ये कॉम्प्लेक्स फोर में पाया जाता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लिखा होगा कहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आया होगा आप लोग को, ये तो ETS तो मुझे पूरा याद है, इसका तो मैं कुछ दिन में गाना बनाने वाला हूँ, बढ़िया। कौन सा फ्लेवो प्रोटीन और यूबिक्विनोन, वो 1R2 दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी जितने हैं सब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब कोई बड़ी बात नहीं, ये देखिए यही मैंने आप लोग को समझाया ये रिएक्शन, कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको NADH डिहाइड्रोजिनेज जो यहाँ पे है, अच्छा पहला जो हमने समझाया आप लोगों को कि NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेटिव रिएक्टेज, समझ में आ गया बात। कॉम्प्लेक्स याद करने की जरूरत, नाम याद करने की जरूरत नहीं, उसका फंक्शन याद करो ना, रटने की जरूरत नहीं है, निमोनिक्स मत बनाओ, निमोनिक्स बनाओगे भूल जाएगा, समझो। कॉम्प्लेक्स वन पे क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स वन पे होता है कि NADH का ऑक्सीडेशन होता है, अच्छा क्या होता है ऑक्सीडेशन में, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, कोएंजाइम क्यू, तो उसका रिडक्शन होगा यानी NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये 950 किलो डाल्टन की प्रोटीन होती है, 7 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भाई उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, इसका पूरा ये एंजाइम के बारे में जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हाँ ये जरूर जान लीजिए कि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेन में बाउंडेड रहता है ना। अच्छा दूसरा है जो है उसका नाम है सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेटिव रिएक्टेज। इनसे देखिए, इससे भी इलेक्ट्रॉन और इससे भी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यू क्यू पूल पे। पूल जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, खूब ढेर सारा पानी जहाँ इकट्ठा रहता है उसी को पूल बोल देते हैं हम लोग। तो ये देखिए हो गया यहाँ पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड को देखिए, कोएंजाइम क्यू का ऑक्सीडेशन होगा और साइटोक्रोम सी का रिडक्शन होगा, इसलिए कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ से साइटोक्रोम सी, अच्छा साइटोक्रोम सी ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक होता है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाया जाता है, और यही साइटोक्रोम सी जब बाहर चला आता है ना तो एपोप्टोसिस करा देता है। एपोप्टोसिस की एक क्लास लेनी है मुझे, क्योंकि एपोप्टोसिस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैंसर और एपोप्टोसिस को रिलेट करके एक क्लास लेनी है मुझे, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। और हाँ तो ये देखिए, और लास्ट में यहाँ पे ये आ गया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स को दिखा दिया जाए, पहले कॉम्प्लेक्स को दिखा दिया जाए। वैसे इसको प्लीज़ आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, बस इतना ही जान लीजिए कि पहला कॉम्प्लेक्स समझाना है मुझे, इसलिए कि आपका एक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो कि NADH है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ NAD प्लस बना, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और ये देखिए FMN जो है दो इलेक्ट्रॉन लेके FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बारी बारी से आयरन सल्फर क्लस्टर को दे रहा है। देखिए यहाँ पे दो आयरन सल्फर लिखा है ना, दो तो दो रहेगा तो बारी बारी से एक एक लेते जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं यूवी क्यूनोन को, और यूवी क्यूनोन जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स वन का पार्ट है, फिर ये जाता है आयरन सल्फर क्लस्टर को, फिर ये लास्ट में जाएगा यूवी क्यूनोन को। तो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और चार एच प्लस आयन चला जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। तो याद रखिएगा, एक NADH के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कॉम्प्लेक्स वन पे चार एच प्लस आयन बाहर गया है, ये तो आपको पता भी होगा, फिर भी हम आपको दिखा दिए। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू। तो कॉम्प्लेक्स टू में ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी एच प्लस आयन बाहर नहीं जाता है, कोई भी एच प्लस आयन यहाँ से बाहर नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स टू से चला जाएगा यूवी क्यूनोन, ये भी यूवी क्यूनोन है, ठीक है, यूवी क्यूनोन ये भी है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, अब कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को जाएगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड को आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस हियर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थर्ड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ में तो आ जाएगा लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्यू साइकिल। क्यों क्यू साइकिल पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं पे यूवी क्यूनोन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यही तो है। तो देखने से डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इसमें, क्यू साइड दिया हुआ है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो यही समझा सकता हूँ, वैसे प्रॉब्लम करेगा, बस इतना आप लोग जान जाइए इसको कि एक कंप्लीट यूवी क्यूनोन के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे भी चार एच प्लस आयन बाहर जाता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन रहेगा यूवी क्यूनोन के पास, रहता है ना। तो एक बात ध्यान से सुनिए, जो NADH है, ठीक है, NADH कॉम्प्लेक्स वन से जब ऑक्सीडाइज हुआ था तो चार एच प्लस आयन बाहर गया था और दो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, दो इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनोन को मिले थे, तो जब वो कॉम्प्लेक्स थर्ड पे आएंगे वहाँ से भी चार एच प्लस आयन बाहर जाएगा, इतना तो क्लियर हो गया। देखिए दो हाफ में होता है ये, फर्स्ट हाफ में दो एच प्लस आयन, सेकेंड हाफ में दो एच प्लस आयन। जब CSIR के लिए पढ़ाऊँगा तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़, ठीक है ना, एक एक चीज़, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। बाकी आप लोग अगर समझना चाहते होंगे तो इसको रोक के समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्यू साइकिल हो गया, क्यू साइकिल के बाद से अब देखिए कॉम्प्लेक्स फोर में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन के जाने से दो एच प्लस आयन बाहर जाता है। तो देखिए अभी तक एक NADH के ऑक्सीडेशन से आठ एच प्लस आयन बाहर गया था, कॉम्प्लेक्स फोर भी मिला लो तो दो और एच प्लस आयन, यानी कि 10 एच प्लस आयन हो गया ना, यानी कि एक NADH के कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन से 10 एच प्लस आयन मैट्रिक्स से जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। अच्छा जो FADH2 था, ठीक है, FADH2 के वजह से कॉम्प्लेक्स सेकेंड से तो एक भी एच प्लस आयन बाहर नहीं गया था, अभी हमने ऊपर दिखाया, लेकिन कॉम्प्लेक्स थर्ड से यहाँ से भी चार एच प्लस आयन बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, और कॉम्प्लेक्स फोर से भी दो एच प्लस आयन बाहर जाएगा, यानी कि हो गया 6 एच प्लस आयन। यानी कि याद रखिएगा NADH के कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन से 10 एच प्लस आयन और FADH2 से 6 एच प्लस आयन, तो मतलब ये भी यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ देखिए
कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन देता है कॉपर को, कॉप सी यू ए, फिर ये देता है साइटोक्रोम ए को, फिर ये साइटोक्रोम ए है ना, ये कोई बायसनेस नहीं है, ये जो फ्री रहेगा मतलब कॉपर भी फ्री रहेगा इसको दे देगा, या साइटोक्रोम ए थ्री फ्री रहेगा इसको दे देगा, किसी को भी दे सकता है। अच्छा, इन ये जितने हैं ना सब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर मॉलिक्यूल हैं सब के सब, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन वाले तो दो ही होते हैं ना, यूवी क्विनोन और एफएमएनएस्ट, वो हाँ फ्लेवो प्रोटीन, वो इसमें से यहाँ पे कोई है नहीं, तो याद रखिए बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे देखिए एच प्लस आयन, ये एच प्लस आयन जानते हैं कैसे आया, एटीपी सिंथेस से आया हुआ है, ठीक है, तो ये एच प्लस आयन एटीपी सिंथेस से आया हुआ है, और यही एच प्लस आयन जो है यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मोलिकुलर वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो अगर कोई पूछता है कि मोलिकुलर वाटर का फॉर्मेशन कहाँ होता है सेलुलर स्पेसन में, तो आप कह दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पे ऑक्सीजन और एच प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन लेके बना लिए मोलिकुलर वाटर का फॉर्मेशन कर लिए। तो अब इसको इसकी थोड़ी समरी देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था, एक साथ हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आई थिंक ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे एनएडीएच का ऑक्सीडेशन हुआ चार एच प्लस आयन, ठीक है, अच्छा सक्सिनेट से फ्यूमिनेट बना, एक भी एच प्लस आयन बाहर नहीं गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आए ही हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड से भी चार एच प्लस आयन, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से दो एच प्लस आयन, अच्छा जब सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो थर्ड पे जाएगा, तो जब हम सिर्फ और सिर्फ एफ ए डी एच टू की बात करते हैं, एफ ए डी एच टू की, तो हम थर्ड और फोर्थ को गिनते हैं, यानी कि चार और दो छः एच प्लस आयन। जब एनएडीएच की बात करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 10 एच प्लस आयन, ठीक है ना, अच्छा यानी कि इन सब के वजह से देखिए एच प्लस आयन ग्रेडियंट बन गया। अब यही एच प्लस आयन जब इधर एफ जीरो एफ वन पार्टिकल से मैट्रिक्स में आएगा तो ये मोटर है, इस मोटर को चलाएगा, ठीक है, और जब ये मोटर चलेगी तो एच प्लस, ये देखिए ये होता है एटीपी सिंथेस। अब ये क्वेश्चन अक्सर ये होता है एटीपी सिंथेस, अच्छा ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक एनएडीएच से दो एटीपी बनेगा, तीन बनेगा, 2.5 बनेगा, 3.1 बनेगा, या 2.7 बनेगा, ये सब बन सकता है, सब बन सकता है, लेकिन अब एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, ओके, तो जनरल देखें एनसीईआरटी में तो 3 लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स में किसी में 2.5 लिखा है, किसी में 2.7 लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूं, अगर थोड़ा सा और ध्यान से सुन लीजिएगा क्या मुझे इसमें समझाना है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना एटीपी बनेगा। जैसे देखिए होता क्या है, ये आ जाओ भैया एटीपी सिंथेस की बात करते हैं। देखिए एटीपी सिंथेस, ये रहा एटीपी सिंथेस, और ये एटीपी सिंथेस में देखिए ये सी सब यूनिट है ना, सी सब यूनिट, देखिए ऊपर वाले जो है अल्फा बीटा, चार होंगे छः होंगे, तीन अल्फा तीन बीटा, ये है सी सब यूनिट, ये है ए सब यूनिट, और बी सब यूनिट ये है जो कि कनेक्ट किया हुआ है मेम्ब्रेन से लेके मैट्रिक्स के साइड तक। चलिए देखिए ये मोटर एक बार घूमेगा तो तीन एटीपी बनाएगा, ये पक्का है, ओके, इतना याद कर लीजिए कि ये मोटर अगर एक बार घूमेगा तो तीन एटीपी बनाएगा, ये श्योर है। अब इस मोटर को एक बार घुमाने के लिए कितना एच प्लस आयन चाहिए डिपेंड करता है कि कितने सी सब यूनिट हैं। अगर सी सब यूनिट, देखिए अगर ये सी सब यूनिट 10 हैं तो 10 एच प्लस आयन चाहिए, 10 एच प्लस आयन चाहिए, यानी कि 10 एच प्लस आयन से 3 एटीपी बनेगा, यानी कि एक एनएडीएच के ऑक्सीडेशन से 3 एटीपी बनेगा, कन्फर्म हो गया। लेकिन ये सी सब यूनिट जो होता है ये सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या एक ही माइटोकॉन्ड्रियम, एक ही सेल के माइटोकॉन्ड्रियम में ये डिफर करता है। मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि किसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो सी सब यूनिट हैं वो सी 12 हैं, 12 हैं, 12 हैं, तो अब 12 एच प्लस आयन रहेगा तभी तो ये मूव करेगा, तभी तो एक बार पूरा ये मोटर मूव करेगा, यानी कि देखिएगा यानी कि 12 एच प्लस आयन से बन रहा है 3 एटीपी। अच्छा एक बार मूव करेगा तो 3 एटीपी बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग को समझना है कि 12 एच प्लस आयन अब कहाँ से आएगा, क्योंकि ये एकदम कंफर्म है कि एक एनएडीएच से 3 ही 10 ही एच प्लस आयन बाहर जाता है, वो बढ़ और घट नहीं सकता। हाँ ये सी सबनेट का नंबर देखिए क्या लिखा है, 10 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकता है,
लिखा है यहाँ पर 10 से लेकर 15 तक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, नंबर इसका वेरी कर सकता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए इसके 12 चाहिए, 12 एच प्लस आइन चाहिए, देखिए यहाँ से ये, देखिए यहाँ से ये है 12 एच प्लस आइन चाहिए, एक के थ्रू होते हुए यहाँ पे जाके एक एक जाके सेट हो जाता है, एक एक टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तो पूरा इसका एनिमेशन दिखाता, रिवीजन क्लास है इसलिए मैं इसका बहुत एनिमेशन नहीं दिखा सकता। तो अब एक बात, एक काम करते हैं, यहाँ देखिएगा कि 3 ATP के लिए, सॉरी हाँ 3 ATP के लिए 12 एच प्लस आइन चाहिए, ओके, और 10 एच प्लस आइन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं किससे, 10 एच प्लस आइन जो होते हैं वो जाते हैं इंटरमीडिएट स्पेस में 1 रेडियस से। तो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूले से सॉल्व करें 30/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि 1 NADH के ऑक्सीडेशन से 2.5 ATP का फॉर्मेशन हो, कम हो गया, क्योंकि सी सबयूनिट की बात है ना, सी सबयूनिट की बात है, अगर कहीं सी सबयूनिट बस 9 है तो आप क्या करेंगे, 9 एच प्लस आयन से 3 ATP बन रहा है, और आपने एच प्लस आयन कितना दिया है NADH से 10, तो 30/9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3, ठीक है, इसी से कैलकुलेट किया जाता है, यही सर। अब आपको अगर आप जैसे एग्जामिनर इंटरव्यू में भी पूछते हैं किस पे डिपेंड करेगा, तो सी सबयूनिट पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर में पूछ दिया कि 6 ही हैं 7 ही हैं तो तब क्या करेंगे, ठीक है। और यही मान लो, अब हम मान लो FADH2 से निकालते हैं, FADH2 से, और FADH2 से हमको पता है कि 6 ही एच प्लस आयन जाता है और चाहिए हमको 12, मतलब 12 मान लो ये 12 है, तो हम क्या करेंगे, 3 ATP तो बनाएगा ये पक्का है, एक बार घूमेगा तो 12 चाहिए, ये भी श्योर है क्योंकि सी सबयूनिट 12 है, और आप एच प्लस आयन दे कितना रहे हो 6, तो ये हो जाएगा 6 3 18/12 = 1.5, यानी कि 1 FADH2 से 1.5 ATP बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बैक्टीरिया वाला है ये आप देख सकते हैं कि कैसे एस प्लस आयन ग्रेडियंट जो है लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और यहाँ पे एच प्लस आयन ग्रेडियंट बन रहा है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ATP बन रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा कि ATP कहाँ बन रहा है, तो देखिएगा द रिकॉन्स्टिट्यूशन वेसिकल ये बनाया गया है कंटेनिंग ATP सिंथेस, बट खैर इसको एक बार आप लोग स्क्रीन वॉच करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसका किसका क्या इनहिबिटर होता है, ठीक है, इनहिबिटर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर होता है रोटिनोन एमिटॉल डेमेरॉल, कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर होता है साइनाइड एजाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ATP सिंथेस का होता है ओलिगोमाइसिन। अच्छा आप लोगों ने देखा ऊपर एक डायग्राम था जिसमें लिखा हुआ OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव प्रोटीन, इसी पे आके ओलिगोमाइसिन बाइंड कर देता है, तो इसको मूव ही नहीं करने देता, ठीक है, तो ये होता है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव प्रोटीन। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, कहीं कोई दिक्कत, हाँ ये देखिए यहाँ लिखा है अनकपलर्स, ठीक है, अनकपलर्स में नाम देख लीजिए ध्यान से, 2,4-dinitrophenol डेकोमेरॉल FCCP, ये क्या करते हैं ना, मेम्ब्रेन को स्पैन कर देते हैं, ये देखिए मेम्ब्रेन को स्पैन कर देंगे, तो अब मेम्ब्रेन को अगर स्पैन कर देंगे तो क्या होगा, एच प्लस आयन ग्रेडियंट इधर बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि अगर हम अनकपलर्स डाल देते हैं, ठीक है, अनकपलर्स डाल देते हैं तो ATP सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चलेगा, एच प्लस आयन बाहर तो जाएगा, लेकिन ATP की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि एच प्लस आयन ग्रेडियंट बनता तभी नहीं सी सबयूनिट से इधर अंदर आता, लेकिन जब ये आसानी से आ जा रहा है तो क्यों सी सबयूनिट से आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा लेकिन ATP सिंथेसिस नहीं होगी अनकपलर्स की वजह से, ठीक है। तो ये आई थिंक इतना हो गया, अच्छा इतना हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं
सटल सिस्टम। अच्छा ये देखिए, जो मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला बता के करवाया, तो आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और इसमें एक इम्पॉर्टेंट था, हाँ कहीं लिखा हुआ है कि द लेटर नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सी सब यूनिट एफ जीरो पार्टिकल, कि कितना एटीपी बनेगा वो सी सब यूनिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सटल सिस्टम के बारे में। देखिए ये सटल सिस्टम, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।